वहीं ऋषभ अपने काम में तो लगा हुआ है, लेकिन अब उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, जिससे वो भी धरा के बारे में ही सोच रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी। एग्जाम फिनिश करने के बाद मिहिर यूनिवर्सिटी से बाहर निकला और अचल मिहिर के पास आकर बोला, ओए मिहिर, कैसा हुआ तेरा पेपर? वैसे काफी टफ पेपर आया था ना? मिहिर ने अचल की बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इतना भी टफ नहीं था, मेरा एग्जाम तो अच्छा हुआ। मिहिर की बात सुनकर अचल ने कहा, अच्छा चल ठीक है, और कल की एग्जाम की डिबेट के लिए तूने क्या प्रिपरेशन की है? मिहिर ने अचल की बात सुनकर लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, कल के पेपर की मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, मैं आराम से कल का एग्जाम दे दूंगा, अभी मैं चलता हूं और तुझसे बाद में मिलता हूं। मिहिर को इस तरह से जाते देखकर अचल ने पूछा, अबे रुक, कहां जा रहा है, मेरी बात तो सुन, अगर हॉस्टल चलना है तो चलना, साथ में चलते हैं, क्योंकि मैं भी हॉस्टल ही जा रहा हूं। मिहिर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, मैं हॉस्टल नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा काम है, उसे खत्म करके आता हूं। इतना बोलकर मिहिर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। मिहिर को जाते देखकर अचल ने कहा, पता नहीं ये मिहिर क्या सोचता है, एग्जाम टाइम में भी इसे इधर उधर घूमना है, पता नहीं अब कहां गया होगा। अचल ने ना में सिर हिलाया और सोचा, इसे तो कल के एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी डिबेट के लिए काफी कुछ प्रिपरेशन करनी है, पहले तो मैं हॉस्टल जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद कल के एग्जाम की तैयारी करूंगा। चल भाई निकलते हैं। मिहिर यूनिवर्सिटी से निकलकर एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप पर पहुंचा। मिहिर सीधे धरा के केबिन की तरफ आया। धरा जो अपने केबिन में बैठकर ऋषभ की तरफ देख रही है, और जैसे ही धरा ने मिहिर को आते देखा, धरा ने अपने केबिन की विंडो बंद कर ली। मिहिर धरा के केबिन के अंदर आया और धरा अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, अरे सर आप यहां, पर आज तो आपका एग्जाम था ना, कैसा हुआ आपका एग्जाम और आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आपको तो अपनी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए ना। धरा को एक साथ इतने सारे सवाल पूछते देखकर मिहिर ने धरा के सामने वाली चेयर पर बैठकर धरा को बैठने का इशारा किया और कहा, बाप रे धरा, एक साथ इतने सारे सवाल कैसे पूछ लेती हो तुम, बैठो एक एक करके सब बताता हूं। मिहिर धरा के बोलने पर वापस अपनी चेयर पर बैठ गई, और तभी मिहिर ने कहा, हाँ मेरे एग्जाम चल रहे हैं और आज का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा हुआ है, और कल मेरा डिबेट का एग्जाम है तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैंने सोचा एम्ब्रॉयडरी का काम देख लूं। हाँ तो ये बताओ मिस्टर खुराना की जो डील थी उसका क्या हुआ? धरा ने मिहिर की बात सुनकर काफी एक्साइटेड होते हुए कहा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, मिस्टर खुराना का ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया है और मैं खुद उनका ऑर्डर डिलीवर करने गई, और आपको पता है मिस्टर खुराना को हमारे न्यू डिजाइन बहुत अच्छे लगे और उन्होंने हमें एक और ऑर्डर दिया है। धरा को इतना खुश देखकर मिहिर ने हंसते हुए कहा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम तो ब्रिलियंट हो धरा, बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हो यार। धरा मिहिर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी मिहिर की नजर धरा के हाथ की चोट पर पड़ी और मिहिर ने धरा की चोट की तरफ देखकर कहा, ये क्या हुआ धरा तुम्हारे हाथ में? धरा ने अपने हाथ की चोट देखकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली आज मैं जब मिस्टर खुराना के ऑफिस से वापस आ रही थी तो हमारी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, तो हमें ऑटो से आना पड़ा और ऑटो में ही मेरा हाथ टकराया और ये चोट लग गई। तभी मिहिर ने धरा की फिक्र करते हुए कहा, अरे अरे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, और अपना ध्यान रखो यार तुम, मैं अभी हरमन जी से बोल दूंगा, वो देख लेंगे बाकी का काम। धरा ने मिहिर की बात सुनकर हां में सिर हिलाया और मिहिर से पूछा, सर आप कुछ लेंगे? अगर आपको कुछ खाना हो तो बताइए, मैं मंगवा देती हूँ। धरा की बात सुनकर मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैंने मंगवाया तो है कुछ। एक काम करो धरा, तुम मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। धरा ने मिहिर की बात सुनकर तुरंत पूछा, क्या बात करनी है सर आपको? मिहिर ने धरा की तरफ देखकर कहा, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इतना बोलकर मिहिर धरा के केबिन से बाहर निकल गया और धरा तुरंत अपनी चेयर से उठी और हैरान होते हुए धीमी आवाज में बोली, ये मिहिर सर को मेरी क्या हेल्प चाहिए? धरा अपने केबिन से निकलती है और तभी सामने से ऋषभ जो एक बड़ा बॉक्स उठाकर उसे पैक कर रहा है, धरा रुककर उसे देखने लगती है। तभी ऋषभ की नजर धरा पर पड़ी और ऋषभ ने धरा की तरफ देखा और उसके पास आकर कहा, मैम क्या हुआ, आप यहां पर बाहर क्यों खड़ी हैं, और आपकी चोट में अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? धरा ने ऋषभ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, और दर्द होगा भी कैसे, किसी ने इतने प्यार से मरहम जो लगाया है। इतना बोलकर धरा ऋषभ की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराई और चुपचाप मिहिर के केबिन में चली गई। धरा की बात सुनकर ऋषभ शर्माने लगता है और वापस अपने काम में लग गया। धरा मिहिर के केबिन में चली गई और काफी देर तक जब मिहिर के केबिन से धरा बाहर नहीं निकल कर आती तो ऋषभ बार बार मिहिर के केबिन की तरफ देखने लगा। ऋषभ ने मिहिर के केबिन की तरफ देखकर सोचा, ये मैम अभी तक मिहिर सर के केबिन से बाहर क्यों नहीं निकली, कितनी देर हो गई है, आखिर मिहिर सर ऐसी क्या बात कर रहे हैं मैम से।
ऋषभ बार बार मिहिर के केबिन की तरफ देखता है। तभी ऋषभ के साथ काम करने वाले एक वर्कर ने ऋषभ से पूछा, क्या बात है ऋषभ, आज तू बार बार मिहिर सर के केबिन की तरफ क्यों देख रहा है, क्या हुआ? ऋषभ ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उस वर्कर ने ऋषभ से पूछा, ऐसे तो काम के टाइम तेरा ध्यान सिर्फ काम में ही रहता है, लेकिन आज तू बार बार उधर की तरफ देखते ही जा रहा है, तू ठीक तो है ना? ऋषभ ने दूसरे वर्कर की बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना काम ठीक से तो कर रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उस वर्कर ने ऋषभ की बात सुनकर कहा, क्योंकि तू बार बार उधर की तरफ ही देख रहा है और मैं काफी देर से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला। उस वर्कर की बात सुनकर ऋषभ ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं कहीं नहीं देख रहा, तुम अपना काम करो और मुझ पर हुक्म मत चलाओ, समझे? वो वर्कर ऋषभ की बात सुनकर वापस अपने काम में लग गया और तभी ऋषभ ने एक बार फिर मिहिर के केबिन की तरफ देखा। इस बार ऋषभ ने खुद इस बात को गौर किया और ऋषभ ने अपने मन में सोचा, हाँ यार मैं क्यों बार बार धरा मैम के बारे में सोच रहा हूँ और इस तरह से मिहिर सर के केबिन की तरफ क्यों देख रहा हूँ यार, अभी तो सिर्फ इसने ही नोटिस किया है, अगर किसी और वर्कर ने नोटिस किया तो फिर पता नहीं क्या सोचेंगे सब। इतना बोलकर ऋषभ ने तुरंत अपनी नजरें मिहिर के केबिन से हटा ली। कुछ देर बाद धरा एक बड़ा सा बॉक्स लेकर मिहिर के केबिन से निकली और धरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखी। ऋषभ की नजर जैसे ही धरा पर पड़ी, ऋषभ ने अपने मन में सोचा, ये धरा मैम मिहिर सर के केबिन से इतना मुस्कुराते हुए क्यों निकल रही है और मैम के हाथ में इतना बड़ा बॉक्स किस चीज का है, क्या ये सर ने धरा मैम को कोई गिफ्ट दिया है क्या? धरा उस बॉक्स की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश लग रही थी और चुपचाप उस बॉक्स को लेकर अपने केबिन में चली गई। ऋषभ ने धरा को इस तरह से उस बॉक्स की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलस फील किया। फिर तभी ऋषभ ने खुद को समझाते हुए धीमी आवाज में कहा, तो क्या हुआ, मिहिर सर ने अगर मैम को कोई गिफ्ट दिया भी है तो आखिर वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और उन दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी है, इसीलिए मिहिर सर ने धरा मैम को गिफ्ट दिया होगा, वैसे भी मैम है ही इतनी अच्छी, अच्छी बात है अगर मिहिर सर ने उन्हें गिफ्ट दिया है तो। ऋषभ ने खुद को समझाते हुए इतना कहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो ऋषभ के अंदर थोड़ी बहुत जलन तो हो रही है। ऋषभ इतना सोचकर चुपचाप अपने काम में वापस लग जाता है और मिहिर एम्ब्रॉयडरी सेंटर से निकलकर सीधे हॉस्टल चला जाता है। और अगले दिन मिहिर का डिबेट का एग्जाम काफी अच्छे से हो गया और अब मिहिर को अपने नेक्स्ट यानी फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए मिहिर यूनिवर्सिटी से निकलकर सीधा हॉस्टल चला गया और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह उठकर मिहिर बिना लेट हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गया, क्योंकि आज मिहिर का लास्ट एग्जाम है। आज मिहिर का लास्ट एग्जाम है और बाकी सारे एग्जाम्स की तरह मिहिर का ये एग्जाम भी काफी अच्छा हुआ। मिहिर एग्जाम खत्म करके अपने रूम से बाहर निकलता है और बाहर आते ही अपने बाकी सारे दोस्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो कॉलेज गेट के बाहर उस जगह आ जाता है जहां पर वो चारों एक दूसरे का इंतजार करते हैं और वहां पर उसे विवान और कार्तिक दिखाई देते हैं। मिहिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी कुछ देर बाद अचल भी वहां पर आ जाता है और फिर वो चारों आपस में बातें करते हुए एक साथ ही हॉस्टल आ जाते हैं। हॉस्टल पहुंचते ही कार्तिक आराम से बेड पर हाथ पैर फैलाकर लेटते हुए बोला, चलो अब आज ये लास्ट एग्जाम भी फिनिश हो गया, अब मैं आराम से सोऊंगा भाई। कार्तिक की बात सुनकर विवान उसे ताना मारते हुए बोला, ये देखो इसे, बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं पिछले कितनी रातों से नहीं सोया ये एग्जाम की वजह से, है ना? विवान की बात सुनकर अचल और मिहिर भी हंसने लगे। कार्तिक ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे लेकिन पहले जितना सोते थे उतना सोने को तो नहीं मिला ना, और तू तो पढ़ाई के बाद भी जाकर रात भर फोन पर लगा रहता था। कार्तिक की ये बात मिहिर और अचल बहुत ध्यान से सुनने लगे और विवान से पूछा, क्या सच में अपने रूम में जाने के बाद भी ये सोता नहीं था? कार्तिक ने विवान को छेड़ते हुए कहा, और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ, अबे रात भर ये फोन पर अपनी न्यू गर्लफ्रेंड। कार्तिक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही विवान ने उठकर अपने दोनों हाथों से कार्तिक का मुंह बंद कर दिया और उसे आगे बोलने नहीं दिया, लेकिन कार्तिक अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा है और विवान उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, अबे ज्यादा झूठ मत बोल बे साले, मैं भी सो जाता था समझा, और ऐसे ही कुछ भी मत बोल। उन सबको ऐसे देखकर मिहिर को बहुत अच्छा लग रहा है और वो उन तीनों की ये सारी लड़ाई बहुत एंजॉय कर रहा है, लेकिन विवान की ऐसी बात पर मिहिर ने कहा, अरे विवान यार, लेकिन इसमें छिपाने वाली क्या बात है, आखिर हम भी तो तेरे दोस्त हैं, कार्तिक को तो इस बारे में पता है, हमें भी पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। कार्तिक को छोड़ते हुए विवान वापस बेड पर बैठते हुए बोला, अरे यार लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार,
अनामिका के भी तो एग्जाम्स चल रहे हैं और उसे भी तो अपनी पढ़ाई करनी होती है। उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि रात भर जाकर मुझसे बातें करे। अचल आकर विवान के बराबर में बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो एग्जाम सभी के ओवर हो गए हैं ना, और अब तेरी अनामिका के पास भी टाइम रहेगा तेरे लिए। इतना बोलकर अचल कार्तिक की तरफ देखते हुए हंसने लगा और कार्तिक मिहिर भी हंस रहे हैं। क्या होगा अब इनकी जिंदगी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।